जिले के फूलियाकला थाना क्षेत्र में गत 26 अगस्त को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व शाहपुरा पंचायत समिति के पूर्व उप प्रधान गजराज सिंह पर सांगरिया में एक कार्यक्रम में भाग लेकर लौटते समय दो नकाबपोश युवकों ने देसी कट्टे से फायर किया था। हमले में सिंह बाल बाल बच गए, लेकिन एक अन्य युवक को छर्रे लगने से वह गंभीर हालत में चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार संस्कृति दिवस पर समारोह के बाद पूर्व उप प्रधान गजराज सिंह सांगरिया स्कूल से निकल रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए सांवरलाल गुर्जर ने देशी कट्टे से फायर करने का प्रयास किया, लेकिन कट्टा नहीं चला तो राणावत को पीछे से लात मारी, इससे वे जमीन पर गिर पड़े। इसी दौरान सांवरलाल के साथी मानसिक ने दूसरा फायर किया। राणावत तो नीचे गिरे होने से बच गए, लेकिन साथ चल रहा रामस्वरूप कुमावत घायल हो गया। चार छर्रे कुमावत की जांघ व पेट के पास लगे। सूचना पर शाहपुरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामजी लाल चंदेल, शाहपुरा थाना अधिकारी शेडूराम हटवाल, थानेदार सुरेंद्र कुमार मिश्रा व फूलियाकला थाना प्रभारी करण सिंह मय जापते मौके पर पहुंचे और घायल रामस्वरूप को शाहपुरा सामुदायिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे अजमेर रेफर कर दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि सांवरा पिता रामस्वरूप गुर्जर निवासी सांगरिया को खेतड़ी झुंझुनू से गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी सिंह ने यह भी कहा कि सांवरा कोटा व झालावाड़ में रेत ठेकेदार के यहाँ रॉयल्टी कर्मचारी था। रविवार 26 अगस्त को सांवरा एक अन्य युवक के साथ मुंह पर नकाब बांधकर समारोह स्थल पर पहुंचा और समापन के बाद वारदात को अंजाम दे भाग निकला। हमले में प्रयुक्त देसी कट्टे भी वारदात के दो दिन पहले ही खरीदा गया था। हमले के आरोप में गिरफ्तार सांवर गुर्जर के खिलाफ कोटा में तथा मानसिंह के खिलाफ फूलियाकला थाने में मारपीट के मामले भी दर्ज हैं। एसपी सिंह ने बताया कि गत दिसंबर में सांगरिया गांव में धार्मिक आयोजन के बाद एक विवाद हुआ था। उस वक्त फूलियाकला पुलिस ने कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। उस वक्त सांगरिया के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। उसमें नाम लिखवाने में उप प्रधान की भूमिका मानते हुए भी आरोपी रंजिश पाले हुए थे और इसी आशंका के चलते इस हमले को अंजाम दिया गया। एसपी सिंह ने मामले के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया था। इस टीम ने मुख्य आरोपी सांवरा सहित संशय व मदद देने वाले रामधन पिता लादू गुर्जर व दानिश पिता आसिफ खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले में कड़ी से कड़ी जोड़कर फरार अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश में जुटी है। थाना है फूलियाकला, वहाँ पर वहाँ के पूर्व प्रधान है गजराज सिंह, उनके ऊपर सांवरा गुर्जर जो वहाँ का बदमाश है उसने उनके ऊपर फायर किया था। वो फायर उनके नहीं लग के, रामस्वरूप कुमावत एक लड़का था उसके लग गया था। उसमें जो मुलजिम थे मुख्य अभियुक्त सहित दो उसके सहयोगी थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। मुख्य अभियुक्त सांवरा गुर्जर और उसका एक रिलेटिव रामधन गुर्जर और दानिश खान, ये तीनों मुलजिम है जिनको एडिशनल एसपी रामजीलाल जी चंदेल और दिनेश जी डीवाईएसपी और एसएसओ शाहपुरा और फूलियाकला के थानाधिकारी और उनकी टीम ने खेतड़ी के अंदर दबिश देके और उनको गिरफ्तार किया। सर, ये क्या पुरानी रंजिश थी, क्या है इसके पीछे? दिसंबर 2017 का कोई मैटर है जिसकी वजह से ये सांवरा के खिलाफ का केस लॉन्च हुआ था। उसमें इसका ये मानना है कि ये केस जो उप प्रधान जी है इन्होंने किसी को मोटिवेट करके इसके खिलाफ दर्ज करवाया। तो इसमें और भी गिरफ्तारियां जी अभी इसमें और भी गिरफ्तारियां शेष हैं।